दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आज मैंने आपको कहा है कि मैं आपको एक टिप बताऊंगा, सिर्फ एक टिप, जिससे आप बेझिझक बेधड़क इंग्लिश बोलने लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने जब हिंदी सीखी थी, वाकई किसी ने आपको सिखाई थी या आप खुद सीख गए थे? आप मुझे एक और प्रश्न का आंसर दीजिए कि आपके कई रिश्तेदार या कोई दोस्त होंगे जिनको कुछ आदतें होंगी जो हमेशा वो करते हैं, जैसे कई लड़के हैं उनको आदत होती गालियाँ देने की, और इतनी देते हैं कि वो कई बार गालियाँ अपने परिवार के बीच उनके मुंह से निकल जाती है, बिकॉज़ वो मुंह पे बैठ जाती हैं। तो दोस्तों, ये एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन इंस्पिरेशन आपको कहीं ना कहीं यहाँ से भी मिलेगी। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे आप अपनी ज़बान में चीज़ों को चढ़ाएंगे, कैसे आप इंग्लिश के वो तमाम शब्द, फ्रेजेस, सेंटेंसेस अपनी ज़बान पे आदत डाल देंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, यकीन मानिए, इट्स वेरी इजी। दोस्तों, आप देखिए कि लोग अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को प्यार से कुछ भी शोना, टोनू, मोनू, बहुत सारी चीज़ें, दे कॉल देमसेल्फ बाय दीज निक नेम्स। तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो किसी और से बात करते हुए भी वो चीज़ें उनको वो बोल देते हैं, बिकॉज वो हैबिट में है उस चीज़ की। तो दोस्तों, आपको ना उस हैबिट में आना है, इंग्लिश के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हाँ ना, यही कहते हैं ना, हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हाँ, नहीं चाहिए तो ना। अगर हम हाँ और ना की जगह यस और नो यूज़ करें तो आप करके देखिए, आप धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाएंगे। तो हैबिट में आना कैसे है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे पता है अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, यार वो हैबिट में कैसे आए, हमारे तो घर में ऐसा कोई माहौल ही नहीं है, ना हमारे मम्मी डैडी बोलते हैं, ना हमारे दादा दादी बोलते हैं, ना हमारे जो भाई बहन है, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो इंग्लिश में बात करे, और हम भी बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं मजाक बनाने लगते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि भाई मुझे इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको बोला, आपको आदत में आना होगा, अपने आपको हैबिट में डालना पड़ेगा उसकी। तो उसके लिए देखिए, आपको इन चीज़ों को बोलते रहना है इंग्लिश में। अब सवाल उठता है कि ये चीज़ें आपके पास आएंगी कहाँ से। देखिए, आज जो न्यू मीडिया है, मतलब इंटरनेट, वो तो वरदान है, वरदान है दोस्तों, वो सबके लिए। वहाँ पर बतेरी चीज़ें पड़ी हैं, आप गूगल में जो टाइप करेंगे ना वो आपको मिलेगा। आप एक्यूरेट हिंदी के सेंटेंस डालिए, इंग्लिश आपको मिल जाएगी। गूगल ट्रांसलेट आपने देखा होगा, अगर नहीं आप जानते हैं, आप गूगल खोलिए, आप देखेंगे राइट कॉर्नर पे बहुत सारे आइकन बने हैं, तो उसमें गूगल ट्रांसलेट है। गूगल ट्रांसलेट में आप जाइए, उस पर कुछ भी आप टाइप करिए, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो बेहद आसान है दोस्तों। तो अब देखिए, वोकैबलरी, फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे, वो आप याद कर लीजिए। और आप यकीन मानिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो जो छोटे छोटे आपने सेंटेंसेस याद किए हैं, उसमें आपने दूसरी चीज़ें फिलअप करके कैसे उसका यूज़ कर दिया। यू विल बी शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू, आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि वाकई यार ये सेंटेंस तो वो नहीं था जो मैंने याद किया था, ये मैंने कैसे बोला था। तो दोस्तों, ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आराम से अकेले कर सकते हैं उसमें, मतलब डोंट गिव लेम एक्सक्यूजेस कि यार मुझे तो माहौल ही नहीं मिला, मुझे तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलता जिससे मैं इंग्लिश में बात कर पाऊँ। दोस्तों, आप अपने आप से बात करिए, आप अकेले रहिए, अकेले में अपने आप से बात करिए, खुद ही आंसर करिए, खुद ही क्वेश्चंस करिए। सपोज़ आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या फिर आप किसी लड़की को चाहते हैं, या आप किसी लड़के को चाहते हैं, या किसी भी इंसान जो को आप बहुत पसंद करते हैं और उसको आपको इम्प्रेस करना है, आप ये मान लीजिए कि उसके सामने आपने इंग्लिश में बात करनी है, तो आप एज्यूम करिए कि वो सामने खड़ा है और आपको उसके सामने बोलना है। देखिए, ये एक ऐसा मुझे लगता है ज़रिया है जिससे आप बहुत जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बात करी थी कि आपका सवाल होगा कि यार ये हम ये चीज़ें कहाँ से लाएं, इतने सारे शब्द, इतने सारे वोकैबलरी, ये हम कहाँ से इकट्ठा करें। दोस्तों, मैंने आपको बताया, इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा भी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी का भी इंग्लिश का भी पढ़िए, आपको कंपैरिजन समझ आएगा। इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसको कोशिश करिए कि अकेले में लाउड पढ़िए, लाउड पढ़ने से आपके उच्चारण
जो एनन्सिएशन या प्रोनन्सिएशन है वो इम्प्रूव होगी, लाउड पढ़िए अकेले में। दोस्तों आपको तीन चीज़ें तो करनी ही करनी है। सबसे पहले स्पीकिंग, जो मैंने आपको बोला है, प्रैक्टिस करिए, एज्यूम करिए कि आप किसी के सामने हैं, तो आपको उनके सामने प्रेजेंटेशन देनी या बात करनी या उनको इम्प्रेस करना है। कैसे वो वर्ड्स आप यूज़ कर करके, आप कैसे नए अच्छे अच्छे सेंटेंसेस उनके सामने बोलेंगे, तो आपको एक इंटरेस्ट जगने लगेगा। तो ये बहुत नायाब तरीका है जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप राइटिंग हैबिट्स अपने अंदर डालिए और लिसनिंग हैबिट्स डालिए। आप टीवी पे इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम्स देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंटरव्यू आप देखिए जो आपके फेवरेट एक्टर्स हैं उनके, इनफैक्ट आपको जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो सहज भी आपको उसमें होना होएगा। तो आप ना ये जो इंटरव्यूज़ देखोगे तो उस पर आपको क्या मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं बताऊँ आपको, वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ों को कितना कंफर्टेबल होके लोग बोलते हैं, तो वो पैटर्न आप में आने लगेगा। आप देखिए, कोई भी आप कॉफ़ी विद करण शो देखिए, उस पर आप जो अपने सेलिब्रिटीज़ आप देखते हैं, वो लोग कैसे इंग्लिश को किस तरीके से किस एक कंफर्टेबल जोन में आके वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तरीका आपको वहाँ से समझ आएगा। दोस्तों बतेरी चीज़ें पड़ी हैं आज तो न्यू मीडिया के आगमन से, मुझे लगता है कि अब कोई भी चीज़ दूर नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है, इज लाइंग। आपको तय करना है कि भाई मुझे इम्प्रूव करना है, तो आप कर लेंगे। अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ब्लेम मत करिए कि उनकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। तो दोस्तों ये एक नायाब तरीका मैंने आपको बताया है, आपको उस हैबिट में अपने आप को डालना है। हैबिट में डालने के लिए आपको चीज़ों को ढूंढना है, इकट्ठा करना है, याद करना है, और याद करने के बाद उनको अप्लाई करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अप्लाई देम बार बार। आप ये मानिए कि आपको वो जो इंग्लिश के शब्द आपने याद किए हैं या फ्रेजेज याद किए हैं, सेंटेंसेज याद किए हैं, कोशिश करिए कि उनको याद करके बोलिए, और विद इन मंथ्स, विद इन डेज, ट्रस्ट मी, आपकी आदत आ जाएगी। आप बोलेंगे यार ये कमाल हो गया। तो दोस्तों एक नायाब तरीका अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, आप मे बी यूट्यूब पे या गूगल पे या और भी जो मीडिया है या मीडियम्स हैं उनसे आपने सीखने की कोशिश करी होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, दिस इज़ वॉट आई अप्लाई। आप करेंगे, आप कमाल देखेंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप इतने कम समय में इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को उस हैबिट में डाल दो। वो छोटी छोटी चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, उसके लिए आपको मैंने बताया इंटरनेट और गूगल से आप सर्च करिए, है ना। अब वो आप सेल पे अपना डिक्शनरी रखिए, सेल पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अब तो। आप उस तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए जिसमें इंग्लिश, अब तो ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, तो वहाँ पर आप करिए ना अपना, जितना आप गलतियाँ कर सकते हैं करिए। और मैं एक और चीज़ अंत में यही कहूँगा, गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं सुधरेंगे। आपको पता लगना चाहिए कि आप कैसे गलतियां कर करके इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप गलतियां करते हैं ना, तो तभी आप सीखते हैं। तो जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो अगले वीडियो में कुछ और नई बातें लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।